हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फूड कुचोर में। मैं हूं चेतना पटेल और आज मैं आपके लिए लेके आई हूं कच्छ की ट्रेडिशनल मिठाई। आज हम बनाएंगे फिनिया लड्डू, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। घर में मिलते इंग्रेडिएंट से बन जाता है, तो चलो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक बड़ा सा बोल। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप गेहूं का आटा, पे मैंने फाइन वाला आटा लिया है। इसी के साथ इसमें डाल देते हैं 2 टेबलस्पून दूध। इसी के साथ इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून घी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हाथ की मदद से इस तरह से प्रेस कर देना है। इसे धाबो देना बोलते हैं। ट्रेडिशनली जो लड्डू बनते हैं इस तरह से ही बनते हैं और इसे ढककर 15 मिनट के लिए हमें रेस्ट देना है। अब हम क्या करते हैं, घी को फेंट लेते हैं। तो यहाँ पे घी लेते समय आपको खास ध्यान रखना है, फ्रीज में इसे थोड़ा सा जमाने के बाद ही लेना है। थोड़ा सा सेट हो जाए इसके बाद ही घी लेना है। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा घी है। तो इसे इस तरह से लाइट हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं चीनी का पाउडर। तो यहाँ पे मैं 3/4 कप पीसी हुई चीनी ले रही हूँ। पहले चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी उड़े ना। और इसे वापस हम बीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से हमने फेंट लिया है। तो 15 मिनट हो चुके हैं और चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आटा है इसमें क्रैक आ जानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कोई जगह पे क्रैक आ चुकी है, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसे हम छान लेंगे। तो जो चावल की छन्नी आती है इसी से इसे छानना है। तो यहाँ पे मैंने एक नीचे प्लेट रखा है, इसके ऊपर छन्नी रख दी है और जो हमने आटा रेस दिया था वो इसके ऊपर रख देते हैं और इसे हमें छानना है। तो इस तरह से स्पेचुला की मदद से इस तरह से हम छान लेंगे। तो इसे हाथ की मदद से इस तरह से हम घिस लेंगे। ये जो लड्डू है इसे स्पेशली समर में ही खाया जाता है। इस तरह से हमें अच्छे से छान लेना है और आप देख सकते हैं इसका जो मिक्सर है, मींस आटा है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से दर दरा आटा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गैस ऑन कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं रख देती हूँ एक हैवी बॉटम वाला पैन और हमने जो आटा रेडी किया था इसे भून लेते हैं। और इसे एकदम धीमी आंच पर भून लेंगे। तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है, इसे एकदम स्लो फ्लेम पे ही भूनना है और एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तब तक इसे हमें भूनना है। और हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तब तक हम इसे भून लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है और इसकी खुशबू भी आना शुरू हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, गैस ऑफ कर लेंगे और इसे एकदम ठंडा होने के लिए दूसरे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये मिक्सर हमारा ठंडा हो चुका है, एकदम ठंडा करना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें बाकी के सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं। तो हमने जो घी फेंट के तैयार किया था वो डाल देते हैं। तो ये पूरा घी और चीनी वाला मिक्सर है वो हम इसमें डाल देंगे। को और हेल्दी बनाना हो और स्पेशली समर में खाना हो तो आप इसमें जो खड़ी साकर आती है इसको मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 टीस्पून जायफल पाउडर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 3 टेबलस्पून चॉप किया हुआ बादाम, 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ पिस्ता, 1/2 टीस्पून और इलायची पाउडर डाल रही हूँ। तो टोटल 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सर हमारा परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरह से आप गोल गोल लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेते हैं। लड्डू हमारे रेडी है, इसे पिस्ता से गार्निश कर लेते हैं। सुपर डिलीशियस एंड टेस्टी फिनिया लड्डू हमारे रेडी है। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो ऐसे ही ढेर सारी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।